Hi team, good morning. Good morning everyone, Shashank Roy this side live. 9 AM, 16th of July 2020, दिन है गुरुवार. डेली न्यूज एंड एनालिसिस में आप सबका स्वागत है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, सो हियर वी हैव मनीषा मस्के, विकास तिवारी, आशा चौहान, गुड मॉर्निंग, हजरा बानो, लक्ष्मी शर्मा, दीक्षा बैरमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू. Thank you so much for joining us, team. Neha, thank you so much. Neha Kapri, happy morning, happy. Let's start the session today. Daily News and Analysis में आपका स्वागत है और मैं शशांक रॉय, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, द जर्नलिज्म ऑफ करेज. 9 AM लाइव हो चुके हैं. 16 जुलाई गुरुवार का दिन है और यह है आपका एजुकेटर. लेट्स टॉक अबाउट द सेशन. इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम. कंफ्यूशियस. लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे. डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस में. अगर आप अपने एरिया में, अगर अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट पर्सन है, तो आप गलत जगह पे हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप हमेशा उनकी संगत में रहें जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे मजबूत हैं, जो आपसे ताकतवर हैं, क्योंकि आप उनके साथ ग्रो करना सीख जाएंगे. अगर आप उन लोगों के साथ हैं जिनमें आप सबसे सुपीरियर हैं, तो आपके अंदर वो ग्रोथ रुक जाएगा, आपके अंदर वो फाइटिंग कैपेसिटी रुक जाएगी, आपके अंदर वो हंगर रुक जाएगा. सो इसीलिए इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम. इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम. कन्फ्यूशियस चाइनीज दार्शनिक हुआ करते थे और बहुत ही बड़ा इनका योगदान है समाज के लिए. If you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. अगर आप उन लोग की संगत में हैं जो आपसे छोटे हैं, आपसे कम नॉलेज रखते हैं, आपसे कम ताकतवर हैं, आपसे कम सक्सेसफुल हैं, तो हो सकता है आपका ग्रोथ रुक जाए. ग्रोथ के लिए ज़रूरी है आप उन लोगों के साथ रहें जो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आपसे ज़्यादा शीलवान हैं और बुद्धिजीवी हैं. उनके साथ रहिए और आपका ग्रोथ होता चला जाएगा. सो कहते हैं ना कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर, इफ यू सिट विद 5 मिलियनेयर्स, यू आर द 6th वन. इफ़ यू सिट विद 5 स्कॉलर्स, यू आर द 6th वन. इफ यू सिट विद 5 ईडियट्स, यू आर द 6th वन. यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग टाइम विद. आप अपनी जिंदगी का आपकी जिंदगी उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं. आपकी मदर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपका दोस्त है. जिन किसी के साथ भी अपनी जिंदगी में आप 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उसका एवरेज होती है आपकी जिंदगी पे उनका रिफ्लेक्शन दिखने लगता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सेशन. 20 जुलाई को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए और ये बैच है मेरे बाइलिंगुअल जीएस बैच. इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा. हिंदी बैच है कंप्लीट शुद्ध हिंदी के लिए और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स की हम बात करते हैं. ये सारे अन अकेडमी के पुरोधा है. एक्सपेडिशन यूपीएससी सीएससी 2001, लक्ष्य यूपीएससी और मिशन यूपीएससी 20 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है. फुल सिलेबस कवरेज है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज एनालिसिस है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है और इंटरव्यू प्रेपरेशन है. कंप्लीट सॉल्यूशन है अन अकेडमी पे और गिवन सिनेरियो अगले 1-1.5 साल तक आपको कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि यू विल हैव अ फिजिकल क्लासरूम. इन गिवन सिनेरियो अन अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर चुन के आते हैं आपको पढ़ाने के लिए. इट्स एंटायरली योर चॉइस. मोर देन 112 एजुकेटर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो गो अहेड, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. आप इसमें मेरा यूजर रेफरल कोड अगर आप यूज कर लेंगे तो टोटल फी में आपको 10% कंसेशन मिलेगा. 64 के बजाय आपको 57,600 रुपीज पे करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना. अपार्ट फ्रॉम दैट आप 12 महीने की किस्त दे सकते हैं 44,000 रुपीज में और 10% कंसेशन के साथ ये होगा आपका 39,600. अगेन EMI इंस्टॉलमेंट इज अवेलेबल ऑन फॉर 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? अगर अन अकेडमी से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, प्लीज मुझे कॉल कीजिए.
एंड आई विल हेल्प यू इन दैट मैटर एज वेल। दोपहर 1 बजे हमारा सेशन होगा स्पेशल क्लासेस का अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, भूलिएगा नहीं। द हिंदू का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजी टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विद गूगल। गूगल अक्वायर्स 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 33,737 करोड़। गूगल ने 7.7% का स्टेक जियो प्लेटफॉर्म पे अक्वायर किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इन द सेंस कि इंडिया में ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी जियो ने $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की है, सो दिस इज द फर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स, ये हमने कल बात की थी, इस आर्टिकल को अभी और ठीक करूंगा मैं। सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स, यूरोपियन यूनियन लीडरशिप वॉइसेस कंसर्न ओवर जम्मू एंड कश्मीर, इस मुद्दे को देखेंगे। देन हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट्स अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 35वां साल है एंड प्राउड टू बी इंडियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो पीएफसी कॉर्पोरेट जर्नी यहां देखेंगे कि क्या क्या काम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, और एक गुड टू नो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आपको याद रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ठीक है। मैंने इसको एडवर्टीजमेंट से उठा लिया है ताकि हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाए कि जो एडवर्टीजमेंट है सरकार के जो प्रोपेगेंडा टूल है वो हमें हल्के में नहीं लेना है। ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं जो हम जनरली हम अटेंशन नहीं देते। ओके फाइन, वी हैव न्यू मोर पीपल, शांभवी दुबे, जय श्रीनाथ, स्माइल के, संजू प्रजापत, ब्रजबारिक मुर्मू एंड किरण सुथार, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एडवर्टीजमेंट है, पढ़ेंगे नवरत्ना कंपनी है और पीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन अलर्ट, राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट। एक तो आपके पास राइजिंग प्राइसेस, प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड भी कम है। जब डिमांड अधिक होती है तो प्राइस बढ़ना समझ में आता है, लेकिन जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्राइस कैसे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अलर्ट। उसके अलावा हम देखेंगे चाइनाज पोस्ट कोविड अग्रेशन इन रीशेपिंग एशिया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कल मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाए थे, उन सारे आर्टिकल्स को देखेंगे और फिर से आगे लेके चलेंगे। देन इट्स टाइम टू फ्लैटन द पैंडेमिक स्टीरियोटाइपिंग, ग्रुप लेवल कोविड 19 सुपर स्प्रेडर्स रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरीज ऑफ इंडियन सोसाइटी। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे जानने वाले मेरे बड़े भाई को कोरोना पैंडेमिक हुआ, वो गुड़गांव के सुशांत लोक इलाके में रहते हैं, उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया क्वारंटाइन का, रेड कलर का बड़ा सा पोस्टर था उनके घर के बाहर, दीवारों पे ऐसे चिपका दिया गया और वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं शशांक ऐसा लगता है बाहर निकलने पे कि लोग मुझे छुआछूत की नज़र से देखते हैं। ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, पंजाबी बैकग्राउंड, लेकिन वो जहाँ कहीं भी जाते हैं ही हैज़ फेल्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन उनको दिखता है। सो इट्स टाइम टू फ्लैटन द पैंडेमिक स्टीरियोटाइपिंग, पैंडेमिक के आड़ में बहुत से लोगों को लेवल किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है, छुआछूत की नज़र से देखा जा रहा है। सो ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। नाउ दिस इज द आर्टिकल, लुक एट दिस, यहाँ पे आपके एक पॉलिटिकल पार्टी की चीफ बैठी हुई हैं, नीचे से इसका बेस खत्म होता जा रहा है और बीजेपी यहाँ से इनकी ईंट उठा के प्रपोज साइट फॉर 100 मीटर स्टैचू ऑफ श्री मोदी जी। सो यहाँ पे ये स्टैचू है, यहाँ पे एक सार्कास्म है, एक क्रिटिक ने सार्कास्म का यूज किया है और यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे इनकी इमारत से ईंटें चुरा के बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे एक स्टैचू बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बनने जा रहा है। और ये इंडिकेशन है आपके एंटी डिफेक्शन लॉ जो भी राजस्थान में हुआ है और उसके पहले अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिला, उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे हम फिर से इन सारे इमेजेस को देख के व्हाट विल डू, हमें थोड़ा सा हंसना है और उसके बाद से हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को कंप्लीट कर लेना है और उसके रिपरकशंस क्या क्या हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को कंप्लीट करना है क्योंकि ये आर्टिकल बार बार आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया शुड बिलीव इन यूरोपियन यूनियन, देयर टाइज अज्यूम सिग्निफिकेंस एज अ रूल बेस्ड ऑर्डर गेट्स चैलेंज बाय राइज ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। आगे चल के देखेंगे, ये दो आर्टिकल्स हैं, एक्सेस रेन बम्पर क्रॉप्स, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून को आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक्सेस रेन बम्पर क्रॉप के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे क्योंकि मानसून इंडिया में आ चुका है। फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज से बेंगलुरु हॉस्पिटल्स, दो दे हैव फैसिलिटीज दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट स्टाफ, व्हाट कैन वी डू। क्या हम अपने आशा नर्सेज को हम ट्रेन कर सकते हैं, क्या हम अपने वार्ड बॉयज को ट्रेन कर सकते हैं, नॉट एज अ डॉक्टर बट कैन वी प्रोवाइड देम ब्रिज कोर्स,
क्या हम मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल फैटर्निटी में क्या हम कोई वोकेशनल कोर्स ले आ सकते हैं जिससे हम लोगों को ट्रेन कर सकें, और जो हमारे यहाँ लूप होल है हेल्थ फैसिलिटी में, हेल्थ केयर सेक्टर में जो शॉर्टेज है ट्रेंड मैन पावर का, क्या हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं? वी विल लुक इनटू इट। हमेशा याद रखिएगा, आपको प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना है। यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम, बट यू मस्ट हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट द सॉल्यूशन। आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, बट उसके साथ साथ आपके पास इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपके फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, आपके पास सॉल्यूशंस क्या हैं, आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज से बेंगलुरु हॉस्पिटल, गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट, अगेन गवर्नमेंट के प्रिपरेशन को दिखाता है और डिफेंस से रिलेटेड मुद्दों को ये जाहिर करता है। गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट, मोदी एग्जॉर्ट्स यूथ टू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, वी विल टॉक अबाउट इट। अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वी विल टॉक अबाउट दिस आर्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाई 2047, वी विल हैव अ लुक एट इट। Country's number unlikely to top a billion by turn of century, says Lancet study. Lancet अपने medical fraternity का बहुत बड़ा नाम है और इनके research को बहुत ही माना जाता है, बहुत ही इनके research पे world over इनके research को बड़े गौर से देखता है। Endogenous vaccine not for pneumonia gets not, ये देखेंगे endogenous मतलब होता है हमारा अपना घरेलू। Fight against hunger disrupted by slowdown. The world is not on track to meet the global zero hunger by 2030. यहाँ पे हम sustainable development goals को लेके चलने वाले हैं। Pacific a pivot for ties with Moscow. India involves sites oil and gas investment in Vietnam as area of cooperation with Russia. So यहाँ पे Pacific में हम चलेंगे और ये बहुत important article होने वाला है। Uddhav seeks alternative rail route at Melghat. हम मेलघाट, भोरघाट, पालघाट, इन सारे घाट्स के बारे में पता करेंगे, क्योंकि ये एक रेल प्रोजेक्ट आ रहा है जो वेस्टर्न घाट्स में बनने जा रहा है और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया होने जा रहा है। अगेन पाम सो स्वीट, यहाँ पे जैगरी प्रोडक्शन को इसलिए लिया गया है क्योंकि उनको जीआई इंडिकेशन दिया जा रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा रहा है। पाम सो स्वीट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने की तैयारी चल रही है इस जैगरी को, इस गुड़ बनाने की कला को। ये उडांगुडी है, साउथ तमिलनाडु में है, इसीलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैंड्स दैट वेव द क्रेडल, वीवर्स ऑफ इरोड्स 1010 कम्युनिटी विद द हेल्प फ्रॉम श्री शिवा गुरुनाथस नूरपुर इनिशिएटिव आर टाइडिंग ओवर द पैंडेमिक बाय वेविंग अनब्लीच्ड क्रेडल क्लोथ फॉर न्यू बॉर्न इन ब्रीदेबल स्टर्डी कॉटन। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अनब्लीच्ड कॉटन में बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए जो बिल्कुल अभी पैदा हुए हैं उनके लिए कुछ कपड़े बनाने की पहल की गई है विद द हेल्प ऑफ दिस मैन। सो कैन वी गो फॉर द स्मॉल टाइम कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, क्या हम स्मॉल स्केल पे कॉटेज इंडस्ट्रीज में नहीं आता ये, क्या हम घरेलू उद्योग को इस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, अपने ओन प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं ताकि ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में हम रोजगार मुहैया करा सके। सो इट्स अ गुड टू नो एग्जाम्पल, आप इसको पढ़ के अपने शब्दों में संजो सकते हैं। The herds of Pulikat terracotta herds gather on a beach in an annual ritual performed by fishermen for prosperity and protection in the seaside town. Terracotta horses के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, Pulikat lake के पास, बहुत important article है art and culture के perspective से। मैं ये नहीं जानता कि UPSC में ये आएगा या नहीं आएगा, but again it's always good to know information about, good to know about your colorful culture across India. इंडिया को अगर मेंटली मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है तो इसका पर्पस ये है क्योंकि अब बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ है। हर 50 किलोमीटर बाद आपको एक इंडिया के अंदर एक और इंडिया दिखाई देने लगेगा। लैंग्वेज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, आपकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे। सो इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन एंड यू कैन हैव अ लुक एट दिस कल्चर, दिस पर्टिकुलर रिचुअल, पुलिकट लेक के पास है ये। ट्रंप एंड्स हांगकांग स्पेशल ट्रेड स्टेटस बैक सैंक्शंस, United States of America has come back on Hong Kong, और यहाँ पे sanctions की शुरुआत की है Hong Kong में। अभी Chinese rule pass होने के बाद से जो special privileges Hong Kong को दिए गए थे United States of America की तरफ से, उसको हटा लिए गए हैं। Indigenous bugs help tackle invasive pests. Ladybird beetle grub feeding on woolly wet fly. ये बहुत important article है। Entomologists raise hopes of fruit growers troubled by woolly wet fly. वुली व्हाइट फ्लाई को हमारा इंडिजिनस जो कीड़ा है, जो बग है, लेडी बर्ड बीटल, उसको खा जाता है और ये इंडिजिनस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका खात्मा कर देता है।
डाउन टू अर्थ मैगजीन में आगे देखेंगे कोविड 19 में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ एग्रीकल्चर है, ये आपके लिए मैंने संजोया है, कोरियोग्राफ किया है, क्यूरेट किया है, और ये आप आर्टिकल को अच्छे से देख सकते हैं। देन वी हैव अनदर आर्टिकल जो इसमें आपको अपडेट होकर आएगा स्नेक स्पीशीज के लिए, वर्ल्ड स्नेक डेज, डजन ऑफ स्नेक स्पीशीज फेसिंग पेरिल सेज हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब है जो सांपों के ऊपर अध्ययन करते हैं, दे आर नोन एज हर्पेटोलॉजिस्ट। हैबिटेट लॉस इज द ग्रेवेस्ट थ्रेट फेसिंग स्नेक्स सेज रोमुलस विटेकर। तो ये सांपों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और सांप आएंगे आपके लिए नागिन नागिन डांस करते हुए, और ये नए सांप की खोज हुई है, ये देखेंगे बहुत खूबसूरत सांप है, रूह कांप जाएगी। वर्ल्ड स्नेक डे, यूनिक पायलट प्रोजेक्ट यूजेस टेलीमेट्री टू टैकल स्नेक बाइट प्रॉब्लम। इंडिया में स्नेक बाइट प्रॉब्लम लगातार 2019 से 2020 तक 20 में भी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक ट्रॉपिकल कंट्रीज का बहुत बड़ा मुद्दा माना है, हेल्थ चैलेंज माना है, थ्रेट माना है इसको। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में हम कवर नहीं करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, सेशन तो स्टार्ट हो ही चुका है, बट आपको पूरा दर्शन कराना था हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू रेज हियर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे। अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अशोक लवासा कौन है और ये आर्टिकल मैंने क्यों लिया हुआ है? टीम एक बात याद रखिएगा, मेरे आर्टिकल में, मेरे न्यूज एनालिसिस में सिर्फ उन आर्टिकल्स को लिया जाता है जिसका एक इंटीग्रेशन है, जिसके थ्रू मैं आपको और बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूं। दैट इज द पर्पस हियर, कि मैं अशोक लवासा इस आर्टिकल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ रिमाइंड करा सकूं जो आप हमेशा गलती करते हैं अंडर प्रेशर। दीक्षा शर्मा गुड मॉर्निंग, नीलम कमलवंशी, जूही, शालिनी, अलभ्य, सोनू प्रजापत, मोहम्मद काजमी, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मुझे बताएंगे अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ दो चीजें आपको पता करनी है, व्हाट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड हु दिस मैन इज, इनका नाम मैंने क्यों लिया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैन। ही वॉज इन लाइमलाइट फॉर हिज अब्रप्ट डिसीजन इन 2019 जनरल इलेक्शंस। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इनके बहुत से डिसीजन थे जिनके चलते गवर्नमेंट इनसे खुश नहीं थी। बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन किया, इनके बेटे के खिलाफ बहुत से केसेस निकाले गए। नाउ दिस मैन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मनीला, वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ब्रज विवेक, आई नीड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हु इज अशोक लवासा, हु इज अशोक लवासा। हु इज अशोक लवासा? आपके इलेक्शन कमीशन में आपका एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशनर रह चुके हैं। ही वॉज नॉट द चीफ इलेक्शन कमीशनर, ही वॉज द इलेक्शन कमिश्नर। 2019 जनरल इलेक्शन में इन्होंने बहुत से सुनील अरोड़ा के अगेंस्ट में नहीं, इन्होंने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन दिए, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट में अपने ओपिनियन दिए, और जो कि जस्टिफाइड है। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के विरोधी हैं, डिसएग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको हक है अपनी बात को रखने का। सो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यहाँ पे किसी भी बात पे, किसी भी मुद्दे पर सहमति के लिए वोटिंग की जाती है। तो तीन लोग हैं, जिसमें भी दो का वोट हो जाता है जिस मुद्दे पे, वो चीज़ें मान ली जाती हैं। अशोक लवासा ने बहुत से मुद्दों पे 2019 जनरल इलेक्शन के दौरान अपने बातों को उठाया, एंड ही वॉज नॉट अग्री विद मेनी ऑफ द डिसीजन टेकन बाई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। He was out of the job, then he got retired, और अभी उनका appointment हुआ है as a vice president of Asian Development Bank. Now, I want to ask the question,
इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या, इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट रिटायरमेंट किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट, क्या रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है, कितने सालों के लिए अपॉइंट होते हैं, क्या वो रीअपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे दे दीजिए। Is election commissioner or chief election commissioner eligible for reappointment under center pro state government post state? It's not pro state, it's center or state government. Center or state government. Ex election commissioner, he commented on yes, he was not agree, he was not at all happy with many of the decisions taken by Sunil Arora, chief election commissioner. बहुत से डिसीजंस को लेके अशोक लवासा वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, इन्होंने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन दिए। 5 years और 65 years ऑफ द एज व्हिच एवर इज अर्लियर, दैट्स फाइन शालिनी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद किसी भी पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट में? आर दे एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट benefits, are they, I mean not benefits, are they eligible for post-retirement appointment under the central government or the state governments? क्या election commission ने इनकी eligibility criteria के बारे में कुछ दिया है? क्या ये reappoint हो सकते हैं? जल्दी से आपके दिमाग की बत्ती जलानी है। रीअपॉइंटमेंट नॉट रिटर्न। नीलम कमलवंशी, थैंक यू सो मच, आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता जा रहा है। यस, दे कैन रीअपॉइंटमेंट अगेन आफ्टर द रिटायरमेंट। आप इस पे होमवर्क करते रहिएगा। ये द प्रिंट से, एक द प्रिंट मैगजीन है, द प्रिंट न्यूज़पेपर है, द प्रिंट से ये आर्टिकल लिया गया है, द प्रिंट से ये आर्टिकल लिया गया है, हैव अ लुक एट इट। शुड फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स नॉट हेड द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस? Should former IAS officers not head the election commissioner to ensure its independence? एक क्वेश्चन आया था और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट देना चाहिए? यहां पे द प्रिंट मैगजीन ने, द प्रिंट न्यूज़पेपर ने एक क्वेश्चन रेज किया था। वो क्वेश्चन क्या रेज किया था? वो क्वेश्चन ये है, शुड फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स नॉट हेड द इलेक्शन कमिश्नर्स टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस? सो फॉर ऑल द अपॉइंटमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस बीन गुड, वी हैव हैड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स विद गुड क्रेडेंशियल्स हु हैव डन अ गुड जॉब। हाउएवर, देयर वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्हिच वाज हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जुलाई 17, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट लॉज फॉर द इलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा Now the question is there a denigration of the functions of the chief election commissioner and the credibility of his appointment begins to be doubled, to be doubted? Ye questions raise kiya gaya hai, kya ye eligible hain appointment ke liye? Aur iske alawa ye question isliye raise kiya gaya hai taki aapke dimag ki batti jala sake. Reappointment after retirement, okay, he can be reappointed after retirement, iske bare mein koi baat nahi ki gayi hai. They can be reappointment again after retirement. बट इसी बात को लेके क्वेश्चन किया गया है और यही क्वेश्चन है, यही मुद्दा है। आप जब तक लक्ष्मीकांत में इस चीज को पढ़ेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, लेकिन बाहर की चीजों से
जब आप उसको कोरिलेट कर लेंगे, आप और कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत के पेज पे जाइए, इलेक्शन कमीशन में अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक बहाना मिल गया, मुझे एक जरिया मिल गया आपको ये बताने का। आपको थोड़ा सा किसी चीज़ को याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ता है, आपको कुरेदना पड़ता है, तब आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। कॉमन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आपको याद नहीं रहती, सो हमेशा क्वेश्चन आंसर होना ज़रूरी है। सो अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, इस स्टेटमेंट को देने के साथ आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, आप सब कुछ याद रख पाएंगे मेरे भाइयों। प्लीज लेट मी नो अगर समझ में आया तो। टीम हाउ इज इट, टीम समझ में आई बातें? How is the article correlation? ठीक है, How is the correlation here? How is the correlation here? समझाता हूं शांभवी, शांभवी आप परेशान मत, आप तो दुर्गा जी का अवतार है, यू आर द इनकार्नेशन ऑफ पावर्स, डोंट वरी। शैलजा आर यू देयर? शांभवी इसमें देखिए कोई मुद्दा नहीं है, लवासा जी ने कोई गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैंने ये आर्टिकल दिया, ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, 2019 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने बहुत से मुद्दों पे चीफ इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में अपना डिसीजन दिया था, और इनको प्राइस भी इनको बहुत मुसीबतें भी झेलनी पड़ी थी। इनके बेटे के खिलाफ बहुत से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने केसेस ला दिए, और जैसा होता है गवर्नमेंट मशीनरी यूज करती है। कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जनरली हम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद हम उसके चैप्टर्स को बाहर से रोजमर्रा की जिंदगी से करंट अफेयर से कोरिलेट नहीं कर पाते, जिसके चलते हम भूल जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन, जैसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसमें चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। हालांकि ये इंडिया के बाहर का अपॉइंटमेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, राइट, ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर की बात नहीं है। बट अगेन इस आर्टिकल को मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इस बात को ध्यान दिलाया जा सके कि इलेक्शन कमीशन जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूपीएससी के लिए, इलेक्शन कमीशन के, इन दोनों के लिए कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, इनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बारी आती है तो उसमें क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट में अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। अब हाँ, एक चीज़ है, अगर यूपीएससी या स्टेट यूपीएससी का कोई मेंबर है, अगर वो चेयरमैन बनता है तो वो चेयरमैन बनके यूपीएससी में जा सकता है, या चेयरमैन बनके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ज्वाइन कर सकता है, बट ओनली एज अ चेयरमैन। अगर एक जगह वो मेंबर रह चुका है तो दूसरी जगह भी मेंबर बनके नहीं जाएगा। दैट इज ओनली क्राइटेरिया उनके रीअपॉइंटमेंट का, और वो भी उनके पूरे टेन्योर के बीच में ही होना चाहिए, विच इज 5 years, बाकी कुछ नहीं होता, 65 years or 5 years, whichever is earlier. So election commission or union public service commission का मैंने comparative analysis करा दिया। शांभवी, is that clear to you? शांभवी, is that clear to you? ये clear है? Is that clear? अशोक लवासा, appointed vice president of Asian Development Bank. अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुद्दा कुछ भी नहीं है, बट आपको बताना ये था कि आप इस चीज को कोरिलेट कर सके। यहां द प्रिंट मैगजीन से एक न्यूज आर्टिकल उठाया गया है, जहां इनके अपॉइंटमेंट से लेके
ठीक है, अब जाके आप लोग एक काम कीजिएगा, टुमारो नेवर कम्स लक्ष्मीकांत की किताब खोलिए और उसके मार्जिन पे ये लिख दीजिए अशोक लवासा अपॉइंटेड वीपी ऑफ एडीबी, और आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सारी चीजें याद रहेंगी बच्चे लोग, समझिए लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब लिखी गई है इंडियन पॉलिटी के लिए, लेकिन जब तक उसका कोरिलेशन आप करंट अफेयर से नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी। सो ये हमने बहुत बड़ा, देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक हमने कवर कर लिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। वी हैव कवर्ड इट, वी हैव कवर्ड दिस वन, वी हैव कवर्ड दिस वन एंड वी हैव कवर्ड दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन मे पीक बाय 2047। इसको हम क्या करेंगे, इंडिया के पॉपुलेशन को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले आर्टिकल से जोड़ देंगे। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले आर्टिकल से जोड़ के देखेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के मुद्दों को लेके चलेंगे। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल, और बहुत बड़ा आर्टिकल होने जा रहा है, देखने में बड़ा छोटा लगता है, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047, कंट्रीज नंबर लाइकली टू टैप अ बिलियन बाय टर्न ऑफ सेंचुरी सेज लैंसेट। व्हेन द कंट्री, व्हेन द सेंचुरी एंड्स, एक मिनट दीजिएगा, when the century ends india may no longer be a country of a billion says a projection that appears in the online edition of the lancet on wednesday the country the current rate of growth india's population is likely to peak by 2047 at 1.61 billion and then decline to 103 billion by 2100 however were it to meet at un sustainable development goal targets the peak would be earlier and see a population decline to 929 million Conventional wisdom is that though a decline in population is expected, it is expected to begin only around 2046, and that fall, according to the latest 2019 assessment by the United Nations Development Programme calculation, is expected to see India's population settle at a little over 1.4 billion, though this too ranges on 2.1 to 0.9 billion. Access to contraception ki baat karte hain. The sharper fall, say the group of scientists who are affiliated to the Institute of Health Metrics and Evaluation at the University of Washington, is due to assumption that all women globally will have much higher access to contraception and education. This scenario will lead to a sharper reduction in the total fertility rate, a metric that shows an average, on average, how many children a woman must have to keep replenishing population. A total fertility, a TFR lower than 2.1, leads to a decline in a country's population. The UNPD forecast assumed that all countries mirrored the trend in selected low fertility countries in Europe. Low fertility countries in Europe, East and Southeast Asia and North America, where the TFR converged towards a level of approximately 1.75. In our model, in a population where all the females have 16 years of education and 95 years of female have access to contraception, the global TFR was projected to converge at 1.41. The difference between a convergent TFR is profound. This is where they argue the world population is expected to peak by 2061 at 9.73 billion. By 2100, it will be 8.79 billion. However, the UNDP forecast about 10.8 billion by then. So, ye alag alag jagah ke forecast hai. Nigeria ke baare mein dekh lete hai. India will, however, remain the most populous country. Five largest countries in 2100 are projected to be India, Nigeria, China, US and Pakistan. However, these forecasts show different future trajectories between countries. Nigeria is forecast to have continued population growth through 2100 and was expected to be the second most populous country by then. So team, aap ye bolenge, sir to puri kahani padhane mein lage hue hain. But let me tell you one thing. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिटेल्स नहीं लेके चलने हैं, लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा, इंडिया एंड इट्स पॉपुलेशन। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, वी स्पीक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पे बहुत से आर्टिकल्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। दिस सेंचुरी एंड्स, नो लॉन्गर इंडिया मे नो लॉन्गर बी अ कंट्री ऑफ अ बिलियन, ये बिलियन से ज़्यादा होने वाला है। व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है?
हम जो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं 1.47, 1.21, तो क्या हम बच्चों को दशमलव में पैदा करते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हम बात करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग, व्हाई दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या है? मैटरनल मोर्टैलिटी रेट क्या है? ठीक है, उसके बाद से आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके बाद से मैटरनिटी बिल, मैटरनिटी बिल, बहुत से स्कीम जो हैं आपको कन्वर्ज करने पड़ेंगे इस आर्टिकल को समझने के लिए। और उसके बाद से जो सबसे बड़ा हम ढिंढोरा पीटते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, हम जो सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटने जाते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? हमने इस आर्टिकल में पढ़ लिया कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा, बट हमें जो यूपीएससी के लिए करना है वो यूपीएससी के लिए हम करने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज इंडिया में हमेशा से टीम बिल्कुल शालिनी बहुत ही सधा हुआ आंसर है, बहुत ही सधा हुआ आंसर है, अच्छा लिखा है आपने, नो डाउट अबाउट इट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन कैन गिव बर्थ ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज 18 to 49 ईयर्स ऑफ एज, 18 to 40, 40-45 ईयर्स ऑफ एज। सो यहां पे समझने की जरूरत है, हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने अच्छे से एजुकेशन की बात नहीं की, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से फीचर्स हैं, आपको अपनी डेमोग्राफी का फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो बताने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, अगर हम यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है 2030 से लेकर 2040 तक इंडिया में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगा। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि आपका वर्किंग पॉपुलेशन कैसा होगा, आपका वर्किंग पॉपुलेशन कैसा होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, सबसे पहले इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और मैटरनल मोर्टैलिटी रेट पे ध्यान देना होगा, आपको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, आपको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, आपको उसके ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा इक्वल डेवलपमेंट, अदरवाइज माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल एरियाज। अगर सारी के सारे सुविधाएं अर्बन सेंटर्स में होगी तो यही प्रॉब्लम हर बार होता रहेगा कि लेबर्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहेंगे, और एक बार जब ये लेबर किसी पैंडेमिक की कंडीशन में अपने घर को वापस जाएंगे तो लेबर स्कार्सिटी हो जाएगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करें, लोगों से काम करवाएं और उसका इकोनॉमी को बेनिफिट हो, तो आपको जड़ों से शुरुआत करनी होगी, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, इंटरनल मोर्टैलिटी रेट, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इक्वल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा, तब जाके आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। इज दैट क्लियर? इट विल टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। एक बात और यहां समझने की जरूरत है, एंड दैट इज, और वो चीजें क्या हैं? हमेशा से इंडिया में
इंडिया में जो पॉपुलेशन या कहीं पे भी जो सभ्यताओं का विकास हुआ है वो आपके नदी घाटी सभ्यताओं के विकास से हुआ है। ये इंडिया का थोड़ा सा मैप गलत बन जाए तो माफ कीजिएगा, नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, पहले इंडिया को हम समझते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा बन गया है, समझ लीजिएगा। हमेशा से इंडिया में आपने देखा होगा कि डेमोग्राफी हमेशा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो हमारे नदी घाटी सभ्यताओं में हुआ है। जहां कहीं भी नदी घाटी सभ्यताएं होंगी वहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देगा। तो हम इंडो गैंजेटिक प्लेन की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ एरिया है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हिली एरिया है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन आप हमेशा देखेंगे वो आपके प्लेन्स में देखेंगे, प्लेन्स में देखेंगे, और रिवर वैली सिस्टम, रिवर वैली सिस्टम आप इंडस की बात कीजिए या किसी भी सभ्यता की बात कीजिए, आप यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ देखेंगे वो प्लेन्स में देखेंगे। तो अगर देखा जाएगा तो देयर इज अ पॉपुलेशन बल्ज, अगर इंडिया के पॉपुलेशन को उठा के देखेंगे या माइग्रेंट माइग्रेशन के पॉपुलेशन पैटर्न को उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। सो देयर इज अ पॉपुलेशन बल्ज, देयर इज अ पॉपुलेशन बल्ज, और यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन है, यहाँ पे आपका सैचुरेशन है, यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो प्लस में है, टोटल फर्टिलिटी रेट प्लस में है, और यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो माइनस में है, सैचुरेशन में आ चुका है। केरला में 99% जो है वो फीमेल लिटरेसी है और 1084 महिलाएं हैं पर 1000 मेल्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट एंड एजुकेटेड। जबकि अगर लिटरेसी रेट की बात बोलेंगे सो दैट लिटरेसी रेट इज 99%, जबकि ऑल ओवर इंडिया में जो एवरेज है वो 74-76% चल रहा है, इट्स 74% टू बी प्रिसाइज। अगर लेबर फोर्स माइग्रेशन की बात बोलेंगे सो इंडिया के 8 स्टेट से इंडिया का जो अपर पार्ट है दैट इज द सप्लायर ऑफ लेबर फोर्स, दैट इज द सप्लायर ऑफ लेबर फोर्स। और जो साउथ इंडिया है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट हैं, दे आर द रिसीविंग, दे आर द एंटरटेनर, ये जो यहां का पॉपुलेशन बल्ज है इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके साउथ इंडिया में मिलती है। टीम इज दैट क्लियर? नॉर्थ इंडिया, मैंने हमेशा एंशियंट इंडिया से शुरुआत किया है, नदी घाटी सभ्यताएं हमेशा से सिविलाइजेशन जो है वो नदी घाटी सभ्यताओं में पैदा हुई हैं, चाहे आप येलो रिवर सिविलाइजेशन ह्वांगहो नदी की बात करें, चाहे टिग्रिस और यूफ्रेट्स की बात करें, या नाइल रिवर सिविलाइजेशन की बात करें, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हर एक सभ्यता नदियों के किनारे पैदा हुई है। जहां कहीं से भी नदियां निकलती हैं वहां पे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। नॉर्थ इंडिया में अगर आप पॉपुलेशन को देखेंगे तो पॉपुलेशन बल्ज है, वहां टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर फोर्स ज्यादा है, और वहां पे एजुकेशन कम है। साउथ इंडिया में आके देखेंगे तो पॉपुलेशन सैचुरेशन ज्यादा है, थैंक्स टू पॉपुलेशन सैचुरेशन आ चुका है, वहां की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल तक आ चुका है, 2.1% इज द टोटल फर्टिलिटी रेट साउथ इंडिया में, ये रिप्लेसमेंट लेवल तक आ चुका है। इसके चलते साउथ इंडिया की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, एजिंग हो रही है, और हमें जरूरत है लेबर फोर्स की। लेकिन क्या वो लेबर फोर्स जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में माइग्रेट करके आता है, इज दैट लेबर फोर्स स्किल्ड इनफ? क्या जो लेबर फोर्स हमारे पास है क्या उसको बुनियादी जरूरतें दी गई हैं? क्या वो उनके पास वो हुनर है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के बारे में काम कर सकते हैं, या सिंपली वो डेली वेज लेबरर्स हैं? क्या मनरेगा में इतने ढेर सारे लेबर्स को अब्सॉर्ब करने के बाद उनका ओवरऑल ग्रोथ क्या है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा इनके लेबर फोर्स से? सो अगर हम अपने लेबर फोर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना जानते, अगर हम अपने लेबर फोर्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी स्किल मैपिंग नहीं की गई है, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की नहीं, इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है। बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया में जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनका स्किल बिल्कुल मिसमैच है, जिस स्किल की जरूरत इंडिया को है, जिस स्किल की जरूरत इंडियन इंडस्ट्रीज को है, वो स्किल्स इंडियन यूथ में है ही नहीं। इसी के चलते इंफोसिस में जैसी कंपनी में जब आपकी हायरिंग होती है तो आपको बीटेक या बीई के डिग्री पे आपको लिया जाता है, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपको फिर से ट्रेन किया जाता है, जिसको ओजेटी बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो इंडिया के मैप को देखिएगा, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बल्ज है, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन सैचुरेशन है।
नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बल्ज है और साउथ इंडिया में आपका पॉपुलेशन सैचुरेशन है. सो जो भी लेबर का सप्लाई होगा वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में होगा. बट अगर माइग्रेशन की प्रॉब्लम हुई, अगर ऐसा कोई पैंडेमिक हुआ, ये सारे के सारे लेबर फोर्स अपने घर वापस चले जाएंगे. सो क्वेश्चन ये है, क्या हम वाकई डेमोग्राफिक डिविडेंड को एंजॉय करने जा रहे हैं? गाइस गिव मी वन सेकंड, गिव मी वन सेकंड. Is that clear? So the question is, we can achieve a sustainable global population when communities, government organizations take action to encourage smaller families. Through choices, education, women's empowerment and easy access to family planning. Team, mujhe tukdo tukdo mein answer mat dijiye. Rajni Pawar, total fertility rate, number of children a woman can give birth in her reproductive age. India's total fertility rate is 2.1. Demographic dividend, government skill India program, national nutrition mission. Rajni, आप सब लोग को करना क्या है, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ये दिखाई देना होगा कि वो कौन कौन से पिलर हैं, वो कौन कौन से मजबूत डायमेंशन हैं जो कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल इंटरनेशनल नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में आप बात करेंगे, मदर के लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड जो स्कीम है. क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक बच्चा तब मजबूत होगा जब उसको बचपन से ही अच्छी परवरिश दी जा रही है. बचपन से एक बच्चा मैलनोरिज्ड है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है, और 20 साल बाद एक मैलनोरिज्ड बच्चे को अगर फूड सप्लीमेंट भी आप देना शुरू करें तो आप उसको, उसके एज को, उसके स्टंटिंग को आप रिवर्स नहीं कर सकते. सो इट्स अ होलिस्टिक आर्टिकल, इट्स अ बिग आर्टिकल. और ये जो मैंने आपको पॉपुलेशन सैचुरेशन वाला एग्जांपल दिया, अगर आप देखेंगे तो ये वो स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट करता है. साउथ इंडिया में आंध्रा के ईंट के भट्टों में ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट करता है. कहां पे? साउथ इंडिया में काम करने के लिए, पंजाब में काम करने के लिए, हरियाणा में काम करने के लिए. और ये जब माइग्रेशन, ये सारा लेबर फोर्स जब अचानक से साउथ इंडिया से हटता है तो लेबर क्राइसिस आ जाता है, लेबर क्राइसिस आ जाता है. So try and understand. It's a big picture that I'm trying to show. Clear hai? Is that clear? Sustainable development goals se isko add kar dijiye. Sustainable development goals se isko add kar lijiye. Pradhan Mantri ne population control ke baare mein directly to nahi bola, but again, ab unhone ye bola ki apna population, apni family ko chhota rakhna aur population ke measure ko leke chalna bhi ek deshbhakti hai. So team, go for a bigger picture. जो मैंने जितना आपको बताया है उसको आंसर्स में लिख के मुझे दे दीजिए जल्दी से. मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है. आई एम गोइंग टू कवर इट. मुझे और भी चीजें कवर करनी है. इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047. संजू प्रजापत, ओके फाइन. टोटल फर्टिलिटी, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम. डेमोग्राफी डिविडेंड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मैटरनिटी रिलीफ, बेटर एजुकेशन फॉर वुमेन. Asymmetric demography, lack of skilled labor lead to migration and challenges. Shini, thank you so much with lots of blessings. बहुत अच्छा लिखा है आपने. Team, आप इस पे मत जाइए. Data मुझे मत दीजिए. Concept clear कीजिए. Data मत दीजिए मुझे. Don't tell me what is the fertility rate. Don't tell me that. Don't tell me that कौन-कौन सी scheme है. I want you to tell me the concept one. I want you to give me the concept one. Concept ये है, North India में population bulge है, South India में population saturation है. In order to reap the dividend of demography, you have to make sure that they are skilled one. Why Prime Minister of India is talking about reskilling? Why Prime Minister of India is talking about reskilling the youth? यहाँ पे देखिए, why Prime Minister Modi is exhorting youth to skill, reskill and upskill. Skill mapping की बात क्यों आ रही है? Why are we talking about skill mapping as of now? हमने skill mapping के बारे में अभी तक क्या किया है? Sustainable development goals क्या है? Directly principal state policy क्या है? ASER प्रथम की report आने के बाद पता चलता है that many of the students are not even able to read and write. वो अपने इन सारी चीजों को समझ भी नहीं पाते. So why there is a need of skill mapping as of now? हमने अभी तक क्या किया है? It's not about one government or the other government, one party or the other political party. The question is, what have we done? एक holistic, मैं आपको ये नहीं चाहता आप मुझे data दें, मैं ये चाहता हूं आप मुझे concept बताएं.
श्रीनी बहुत अच्छा लिखा है, एसिमेट्रिक डेमोग्राफी, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर लीड टू माइग्रेशन एंड चैलेंजेस विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। आई एम गोइंग टू गिव यू अ किटकैट चॉकलेट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ किटकैट चॉकलेट। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं डिस्पैच करूंगा यहां से। गुड है जॉय श्रीनाथ। रीओरियंट इंडिया टेक्निकल सपोर्ट। ट्रेंड टीचर एट दिस लेवल, एजुकेशन के लेवल को बहुत बढ़ाना होगा, अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करना होगा। गुड शालिनी, गुड गोइंग। बट अभी तक मैंने आपको बोला आप मुझे कॉन्सेप्ट दीजिए, यू डोंट गिव मी द डिटेल्स। लखीमी शर्मा अगेन, यू गिव मी द कॉन्सेप्ट। आप लोग मुझे कॉन्सेप्ट दीजिए, ये मत गिनाइए कि आंगनवाड़ी वर्कर है, मैटर्निटी बेनिफिट है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, ये गोल है, वो गोल है। नो नो, गिव मी द कॉन्सेप्ट वन, गिव मी द कॉन्सेप्ट वन। जैसे शालिनी लिखने की कोशिश कर रही हैं, शिनी बताने की कोशिश कर रही हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी बैलेंस्ड बाय क्वालिटी एजुकेशन, स्किल मैपिंग, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, गुड गुड गुड। आई एम मधु, स्किल मैपिंग ऑफ यूथ, प्राइम मिनिस्टर मातृत्व वंदन योजना स्कीम, अवेयरनेस अमंग पीपल, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष SDG 1217। ठीक है संजू, प्रीति परमार आप ऐसे मत बोलिए, लेस एजुकेटेड, जो लेस एजुकेटेड है तो इसमें उनका भी पूरा मतलब, उनको ऐसे मत अछूत की तरह ट्रीट मत कीजिए, तो वर्ड्स को संभाल के यूज कीजिए। नॉट लेस एजुकेटेड, नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड। ठीक है, गुड अटेम्प्ट शालिनी, आप अच्छा लिख रही हैं, गुड वन। एंड शिनी, गुड जॉब। And anyone and everyone, रजनी से लेके विवेक, ब्रज विवेक मुर्मू और जितने भी लोग हैं सबको ढेर सारी। शांभवी, why are you silent today? शांभवी, why are you silent today? किरण सुतार, आज आपकी कटार नहीं चल रही है। नीलम कमरवंशी, अलभ बदोनी, हजरा बानो, बिल्कुल आप साइलेंट हैं आज। थैंक यू सो मच, लेट्स मूव ऑन द अदर आर्टिकल। इस आर्टिकल को हमने पढ़ा, इस आर्टिकल को हमने पढ़ा। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इसी से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेंसडे सेड द यूथ शुड स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल देमसेल्फ्स टू रिमेन रेलेवेंट इन द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस। यहां से उस आर्टिकल से रिलेटेड आपको मटेरियल मिलने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेंसडे सेड द यूथ शुड स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल देमसेल्फ्स टू रिमेन रेलेवेंट इन द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट एंड मार्केट कंडीशन व्हिच आर इंपैक्टेड बाय द COVID-19 क्राइसिस। So, COVID-19 क्राइसिस ही नहीं, वैसे भी उनको रेलिवेंट होना चाहिए। अगर मैं आपको आज पढ़ा पा रहा हूं तो उसका मेन रीजन है कि आई एम कंफर्टेबल एट डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैंने वो कम्युनिकेशन का स्टाइल डेवलप किया है जिसके चलते आप इतनी दूर पे बैठ के मेरे से वोकली वर्बली बात करने के बजाय भी आप महसूस कर पा रहे हैं दैट द अदर पर्सन इज एजुकेटिंग यू। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे and the 5th anniversary of Skill India mission, Mr. Modi said that the mission launched exactly 5 years ago, we had led to the creation of the vast infrastructure for skilling, reskilling and upskilling and enhancing opportunities for accessing employment both locally and globally. Kaushal Kendras ki baat karte hain, under the program hundreds of PM Kaushal Kendras have been set up and capacity of the ITI ecosystem increased, more than 5 crore youth were skilled. Referring to the portal launched recently by the mapping the skilled employees and employers, the Prime Minister said that it would be the skilled worker, including the migrant worker who had returned to their homes to access job easily, and the employees to contact skilled employees at the click of a mouse. The skills of migrant workers would also be helping changing the local economy. Skill is something which we gift to ourselves, which grows with experience. Skill is timeless. It keeps getting better with time. Skill is unique. It makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is the self-reliance. It not only makes one employable, but also self-employable. It is said that natural inclination to acquire new skills provided new energy and encouragement in one's life.
distinguishing between knowledge and skill, the Prime Minister said that knowing how a cycle ran was knowing knowledge, while actually being able to ride a cycle was the skill. So there is a difference between skill and knowledge. Mr. Modi highlighted the potential to capitalize the skilling opportunities, giving example of healthcare sector where Indian skilled manpower could supplement the global demand. अरे भैया अपने घर में तो हेल्थ केयर में है नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके अपने यहां तो हेल्थ केयर लेबर्स की शॉर्टेज पड़ रही है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाइंग हेल्थ केयर टू इंटरनेशनल मार्केट. He said that there was a need to map such an opportunities and align Indian standards with those of other countries. So ये आर्टिकल है, मैंने इसको जॉन्डिस का मरीज बना दिया है. मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ. टीम द पर्पज इज एक बार इस आर्टिकल को पढ़िएगा. ब्रज विवेक सेंड मी द कॉन्सेप्ट वन. यहाँ पे हजरा बानो लिखा है इंक्रीज मैरिज एज टू डिक्रीज रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन. Girl education, easy access to family planning, educate them about family planning health nutrition program. शांभवी मैं जानता हूं, मैंने आपको बिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया था. कई बार जिंदगी में आप तब तक भागते रहते हैं जब तक आपको भागने का रास्ता मिलता है, लेकिन कई बार एक ऐसे मोड़ आते हैं जब आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, करो या मरो. तो मेरी क्लास में आने के बाद जितना सफोकेटेड फील करेंगे आप उतना ही ग्रो करेंगी. मेरा आशीर्वाद आपके साथ है. बाबा रणछोड़ दास चांचड़ की जय. आपको प्रॉमिस करता हूं मैं कि देखिएगा दो तीन दिन चार दिनों के अंदर आज जो लक्ष्मी शर्मा लिख रही हैं वो भी कभी ऐसे ही बेसहारा महसूस करती थी. बेसहारा नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मेरे पास शब्द ही नहीं जुड़ रहे हैं. अभी रजनी पवार के दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि लिखूं तो क्या लिखूं मैं, और मैं यहां पे हथौड़े की चोट मार रहा हूं एक लुहार की तरह, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आपको इस तरीके इस सिचुएशन में डालूंगा नहीं आप ग्रो नहीं करेंगे. आई वॉन्ट यू टू बी अनकंफर्टेबल. कोई बात नहीं नीलम कमलवंशी, आई वॉन्ट एफर्ट. मोहम्मद काजमी आपने हेडिंग लिख दिया है लेकिन आप फाउंडेशन के बारे में नहीं लिख रहे कुछ. मोहम्मद काजमी अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग फाइन. आपने हेडिंग लिख दिया है लेकिन उसके नीचे का फाउंडेशन आप भूल गए हैं. ठीक है, सो अब आते हैं दूसरे आर्टिकल पे. यूथ शुड स्किल रीस्किल एंड अपस्किल देमसेल्फ्स टू रिमेन रेलेवेंट इन द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट एंड मार्केट कंडीशन व्हिच वर इंपैक्टेड बाय द कोविड-19 क्राइसिस. यूथ को स्किल की जरूरत है, रीस्किलिंग की जरूरत है, अपस्किलिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट में रेलेवेंट नहीं होंगे और मार्केट में बाहर चले जाएंगे. ये बातें कही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के तौर पे, जो कि पांचवी वर्षगांठ है स्किल इंडिया मिशन की. ये 5 साल पहले बिल्कुल लॉन्च किया गया था. इसका पर्पज ये था, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था लोगों को स्किल करने के लिए, रीस्किलिंग करने के लिए और अप स्किलिंग करने के लिए, इनहेंसिंग अपॉर्चुनिटी और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए. कौशल केंद्रास का गठन किया गया था जहां पे ये जो लड़के हैं इनको ITI में ट्रेन किया जा सके. ITI इकोसिस्टम मतलब ये है वोकेशनल ट्रेनिंग में, और 5 करोड़ यूथ को अभी तक ट्रेन किया जा चुका है. नाउ द क्वेश्चन इज, और ये लॉन्च क्यों किया गया था? लॉन्च किया गया था मैपिंग द स्किल्ड एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, स्किल्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स हु हैड रिटर्न टू देयर होम्स टू एक्सेस जॉब इजीली. ये इंडिविजुअल्स को स्किलिंग के लिए लॉन्च किया गया था ताकि उनको वो स्किल मुहैया कराया जा सके, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में रोजगार कर सकें, अपने चुने हुए क्षेत्र में रोजगार कर सके. उसके अलावा जब वो दूर देशों से अपने घर को लौटे तो उनको जॉब की कोई प्रॉब्लम ना हो. और यही प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा ही नहीं है, माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड डेटा ही नहीं है. किसी भी स्टेट में कितने लोगों का आना जाना होता है वो किसी को कुछ पता नहीं है. तो यहाँ पे स्किल मैपिंग का एक प्रॉब्लम है, और स्किल मैपिंग ही नहीं स्किल मिसमैच. देयर इज अ स्किल मैपिंग, लैक ऑफ स्किल मैपिंग एंड देयर इज अ स्किल मिसमैच एज वेल. Return to their homes to access job easily. उसके अलावा skill is something. Skill का मतलब क्या होता है? Skill जो है जो आप अपने आप को gift देते हैं. उसके अलावा जैसे आप मेरे class में आते हैं तो you are giving this gift to yourself कि आपको answer writing अच्छी आ जाएगी. आपका जो skill है वो तजुर्बे के साथ बढ़ता है. Skill is timeless. इसमें ये timeless है, ये हमेशा grow करता रहता है और समय के साथ साथ आप परिपक्व होते हैं.
स्किलिंग इज यूनिक, ये आपको औरों से अलग खड़ा करता है। ये एक खजाना है जो से आपको कोई छीन नहीं सकता। एक सिर्फ सेल्फ रिलायंस है। आपको आपको इस बात का प्राउड होगा कि आपके हाथ का हुनर कोई छीन नहीं सकता और ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है हमारे पास कि जब भी हम किसी नई स्किल को सीखने जाते हैं तो एक नई एनर्जी और नए उत्साह का आभास होता है। नॉलेज और स्किल में अंतर है। नॉलेज और स्किल में अंतर क्या है? नॉलेज इज बेस, नॉलेज इज यू नो नॉलेज, और स्किल जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप किसी नॉलेज को कैसे यूज करते हैं वो है। आपने बहुत से बादाम खाए होंगे, हो सकता है डाबर शंख पुष्प पिया हो, अपने दिमाग को तेज करने के लिए योगा किया हो, मेडिटेशन किया हो, आपके पास बहुत नॉलेज है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, लेकिन उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है अगर उसका एप्लीकेशन नहीं है। किसी को आप पढ़ाते नहीं है, किसी स्कूल में टीचर नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं देते हैं या कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो वो नॉलेज बेकार हो जाएगा। सो स्किल मतलब साइकिल चलाना एक नॉलेज है, साइकिल चलाने आना एक नॉलेज है, लेकिन उसको अगर चला नहीं पाते हैं तो वो स्किल बेकार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा है, स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज गिविंग एग्जांपल ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर वेयर इंडियन स्किल्ड मैन पावर कुड सप्लीमेंट द ग्लोबल डिमांड। इस बात से मैं गुरेज रखता हूं मोदी सर, आई डू नॉट अग्री विद योर स्टेटमेंट, क्योंकि मैं अभी इसी न्यूज़पेपर में हेल्थ केयर शॉर्टेज के बारे में बात करने जा रहा हूं। सो जरूरत इस बात की है कि हमारे जो डेमोग्राफी है उसको स्किल मैपिंग की जरूरत है। उसके अलावा हम अपने यहाँ रोजगार सेतु के तौर पर एक ऐप डेवलप कर सकते हैं क्या? अभी मैंने एक आर्टिकल कवर किया था, क्या हम रोजगार सेतु, उद्योग सेतु या उद्यमी सेतु, जैसे हमने आरोग्य सेतु बनाया है, क्या हम ऐसा कोई ऐप बना सकते हैं जिसमें हर लड़का अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपने आप को एलिजिबिलिटी उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बहुत बड़ा आपके पास डेटा होगा एम्प्लॉयड यू नो यूथ का, उनको स्किलिंग करने के लिए आप उनको इजिली ट्रैक कर पाएंगे। सो टीम ठीक है मधु जी, जो लोग लिख पा रहे हैं और जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय टीचिंग स्टाइल एंड आई अश्योर यू कि आप देखिएगा आपके अंदर कैसी धधक हो रही होगी। आप जो यहाँ पे जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई डिलिबरेटली डू इट। एनाकोंडा और पाइथन कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी गर्दन को आप दबा लेंगे तो आप पूरे पाइथन को कंट्रोल कर लेंगे, नो मैटर हाउ बिग और हाउ डेंजरस दैट पाइथन इज। सो शांभवी आर यू ओके? लोकेश थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आओ बच्चा, लोकेश थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आओ। चीनी बहुत अच्छा आंसर दिया है, हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इफ दे आर स्किल्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। ओके ठीक है किरण, गुड एफर्ट। जयश्री वेयर इज द अदर पार्ट? जयश्री नाथ इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है इस आर्टिकल का जो आपने लिखा है? अच्छा पॉइंट आपने किया है, इट्स अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। लेबर इंटेंसिव कंट्री क्या होता है? स्पेशल इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू स्किल मैपिंग ऑफ लेबरर्स। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो आपने इसमें दिया है इनपुट वो अच्छा है। प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एप्लीकेबल नॉलेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, बाकी कहाँ है? इट विच इज द इमेज ऑफ इंडिया ग्लोबली। हजुरा लिखती हैं, शांभवी घबराना मत, माय ब्लेसिंग्स आर रीचिंग आउट टू यू एनीवन एंड एवरीवन। अभी एक और बच्चे ने ज्वाइन किया है, राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग, वुड यू लाइक टू से समथिंग? राहुल वुड यू लाइक टू से समथिंग?
ठीक है हजरा, आपने लिख दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा पार्ट लिख दिया है, बट आई एम लुकिंग फॉर कॉन्सेप्ट, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। रजनी, शालिनी, जूही, आशा चौहान, प्रीति परमार, आई एम मधु, लक्ष्मी, हर किसी का नाम लेता हूं मैं, हर किसी को आज बोलता हूं। संजू प्रजापत, वेयर आर यू, अलभ बदोनी, किरण, रवि कश्यप, हाई गुड मॉर्निंग, वुड यू लाइक टू से समथिंग? विकास तिवारी, यू आर साइलेंट टुडे। बिल्कुल इसमें जो लिख पा रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विद यू, कोई दिक्कत नहीं प्रीति, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ओके, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आपको विष्णु भगवान की तरह दशावतार रूप लेना है। आप विष्णु भगवान की तरह दशावतार रूप लेंगे और अपने आप को इक्विप करेंगे किससे? गवर्नमेंट की स्कीम से, नेशनल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और उसके बाद से सिंपली किसी चीज को जब हम नक्काशीदार चीजें बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा लेते हैं। एक लकड़ी का जब हम किसी चीज को लेके चलते हैं, आप जब आरा मशीन पे जाते हैं अपने घर के लिए, अगर आपने लकड़ियां खरीदी होंगी तो आप देखेंगे एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा होता है, एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा होता है। इसको हम चिराई के लिए लेके जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? इसको हम आरा मशीन पे लेके जाते हैं, जहां पे इसको हम चिराई करते हैं। इस लकड़ी के लट्ठे को काटा जाता है, ठीक है। ये इतना मोटा पेड़ होता है और ऊबड़ खाबड़ होता है। ये पेड़ बहुत मोटा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, और इसकी टहनियां मोटी होती हैं, कुछ यहां से निकले रहेंगे, इसके इसकी टहनियां कुछ यहां से निकली रहेंगी, कुछ यहां से निकली रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, आरा मशीन पे जाने के बाद आपको दरवाजे का चौखट बनाना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारी टहनियों को छिलना शुरू करेंगे। इस अपर लेयर को आप बिल्कुल काट के निकाल देंगे, इस लेयर को यहां से यहां तक काट के निकाल देंगे, ठीक है। और आपके पास छिलते छिलते आपके पास एक ऐसा पोजीशन आएगा कि आपके पास एक अच्छा सा प्लेन सा एक लट्ठा हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, जिसको कहीं से भी काट के इजीली बनाया जा सकता है। अब इसकी यूटिलिटी ज्यादा बढ़ गई, तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको एक बड़ा अच्छा सा, अगर इतना नॉलेज बेस होगा तो काटते 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 आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा होगा। सो कभी घबराइएगा मत, अभी आपके नॉलेज गेन का टाइम है। जो आरा मशीन पे आप लकड़ी लेके गए थे, उसको छिलाई करने के बाद वो इस लेवल पे आएगा, उसको छिलने और तराशने के बाद उसकी खूबसूरती आएगी। और अभी आपको नॉलेज बेस बढ़ाने का टाइम है, इसको आने में भी टाइम लगेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, प्लीज लेट मी नो। अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है सो प्लीज लेट मी नो। अब आगे चलते हैं। मैंने देख लिया लक्ष्मी शर्मा, मैंने आंसर देख लिया, बट द बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम। मैंने क्या लिखा है आपको, मैंने आज के आर्टिकल में बच्चा कवर किया है, बाबा ने बोला है, क्या बाबा ने बोला है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर द रॉन्ग पर्सन। ये मैसेज दिया है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन, अगर इस ग्रुप में आपका आंसर सबसे अच्छा हो जाएगा तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू बी हंग्री, I want you to be dissatisfied, क्योंकि ग्रोथ के लिए dissatisfaction जरूरी है, ग्रोथ के लिए भूख बहुत जरूरी है, ग्रोथ के लिए आपका uncomfortable होना बहुत जरूरी है। So don't worry about it, don't expect that you are the best one। अभी आपको मीलों का सफर तय करना है, आपको अभी कई किलोमीटर जाना है, मील्स जाना है, कई रातों की नींद हराम करनी है, और तब जाके आपके पास ये मंजिल चल के आएगी। So अगर आपको ऐसा लगता है that you are the best one, this is the time for course correction। थैंक यू सो मच जिसने अभी ज्वाइन किया है, मेघना पांडे, मेघा पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे पास तो मेघा, ओके, मेघा पांडे, एंड वी हैव श्वेता सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, एंड वी हैव, ओके। सो गाइस, परेशान मत होइएगा, मेरा ये तरीका है पढ़ाने का। और एक एजुकेटर अगर मैं आपको पैम्पर करना शुरू करूंगा तो पैम्पर करने से आपका ग्रोथ रुक जाएगा, ओके। नाउ एक और आर्टिकल देखते हैं, फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस से बेंगलुरु हॉस्पिटल्स। ये उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, तो हम लेके चलते हैं और इस आर्टिकल को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा मैं, जिससे आपको पहले वाले आर्टिकल से थोड़ा सा मतलब स्किलिंग, द स्किलिंग ऑफ यूथ जो है वो समझ में आ जाएगा।
फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज से बेंगलुरु हॉस्पिटल्स, यहाँ पे बैंगलोर से मतलब नहीं है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सेस नर्सिंग होम्स इन कर्नाटका हैव सेड दैट दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स नर्सेस एंड वार्ड स्टाफ टू ट्रीट एंड टेक केयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स। एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेंसडे रविंद्र प्रेसिडेंट ऑफ द दे वर फेसिंग 30% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड 50% शॉर्टेज ऑफ नर्सेस एंड वार्ड बॉयज। He attributed this to multiple reasons ranging from healthcare workers contracting the virus to many get fearing that they would get infected. Some of them have stopped coming as they are worried that they will be contract the infection while treating patients. Many of our staff went to their home towns during the lockdown and have not returned. He said around 6% of 10% of the staff had tested positive and were under quarantine. He also said the hospital had enough infrastructure, they were struggling for want of staff. We appeal to our staff to come back to duty as we are facing loss of shortage. Even though we are offering double salary and are promising them healthcare, doctors and nurses are refusing to come. According to FANA, doctors, hospitals are facing severe shortage of anesthesiology, those who are at high risk of contracting the virus when they treat COVID-19 patients in intensive care units. Dr. Ravind said that the state government had even promised to provide private hospital with ventilators if they needed. As a result of shortage, many patients in private hospitals complained that doctors were conducting fewer rounds per day and giving priority to more serious patients. So, ye article hai, and can we do something? It is also related to skilling and reskilling. Ab aapke paas jo Asha hai, midwives hai, ward boy hai, kya hum unke liye koi bridge course leke aa sakte hain? Can we have a bridge course? ब्रिज कोर्स का ये मतलब ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग समझ लीजिए आप। ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि आपको छोटी सी ट्रेनिंग देके यहाँ पे आपको सैनिटाइजेशन के बारे में यूज करना है, लोगों को ट्रेन करना है। और एक चीज और है, दिस इज द बेस्ट आर्टिकल जहां मैं चाहूंगा कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऐड करूं। यहां पे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ऐड करूं। So, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर, द प्रॉब्लम इज अनस्किल्ड लेबर फोर्स, द प्रॉब्लम इज माइग्रेशन, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लोकल एरियाज। व्हाट कैन वी डू विद देम, हम उनको कैसे स्किल कर सकते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग स्किल्ड लेबर फोर्स इन हेल्थ केयर सेक्टर टू द वर्ल्ड, बट हमारे यहाँ की हालत तो देख लीजिए, फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो यहाँ पे आप अपना ओपिनियन डेवलप करेंगे एंड वी विल हैव अ लुक एट इट। आप देख लेंगे सारे आर्टिकल्स को देखने के बाद, यू विल डिसाइड इट कि आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, कम्युनिटी, जो भी आपको ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ अलाइनमेंट लेके चलना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP को इसके साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये भी इनफोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, ये भी जस्टिसिएबल नहीं है। विल गो फॉर फोर्थ आर्टिकल, Fight against hunger disrupted by slowdown. The world is not on track to meet global zero hunger by 2030, says food security report. Madhu, अच्छा point है ये skill mismatch का।
मोहम्मद काजमी आपने लिखा है फॉर प्राइमरी एजुकेशन काउंसलर सेक्शन अवेलेबल टू इंक्रीज एंड डिटेक्ट स्किल ऑफ द एंटिटी. स्किल ऑफ द एंटिटी नहीं, स्किल ऑफ द इंडिविजुअल बच्चा. अच्छा लिखा है मोहम्मद, अच्छा काजमी साहब, ये अच्छा पॉइंट है. ठीक है ब्रज विवेक मुर्मू, अच्छी बात है, लेकिन किसको ट्रेन करेंगे आप? आशा नर्सेस को, वार्ड बॉयज को ट्रेन करेंगे क्या? मेडिकल सेक्टर में आपने कभी आशा नर्सेस के अलावा वार्ड बॉयज के बारे में सुना है क्या? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिडवाइफ के तौर पे, वार्ड बॉयज के तौर पे हम ट्रेन कर सकते हैं? हजरा ओकेशनल ट्रेनिंग नहीं बच्चे, ब्रिज कोर्स बोल दो इसको, या वोकेशनल, ओकेशनल नहीं. रोबोटिक नर्सेज आशा, आशा यहां पे हजरा बानो ने एक पॉइंट दिया है रोबोटिक नर्सेज के बारे में. आशा विच केम विच टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, थैंक यू सो मच हजरा. ठीक है ब्रज विवेक अब आ गए हैं लाइन पे. शांभवी दुबे ने इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली कुछ वापस आया और लिखा, गुड. नहीं संजू, वैसे भी आंगनवाड़ी स्कीम को बंद तो किया नहीं गया था, सो इमीडिएट रिवाइवल ऑफ स्कीम्स की जरूरत क्यों है? इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, वी हैव नॉट स्टॉप्ड इट. ओके, पोस्ट लॉकडाउन के सिनेरियो में अप्रोच ऑफ फोकसिंग ऑन हाइजीन एज वेल एज ऑन सोशल डिस्टेंसिंग. नहीं शुभम, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे आएगा? हम यहां पे बुनियादी बातें कर रहे हैं, हमें पेड़ और पत्तों की बात नहीं करनी है, पहले हम जड़ों की बात करेंगे. वी मस्ट हैव अ रूट एंड ब्रांच अप्रोच. तो पेड़ और पत्ते के टहनियों के बारे में बात करने से पहले हम जड़ों की बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट फाइट अगेंस्ट हंगर डिस्टर्प्टेड बाय स्लो डाउन. द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द ग्लोबल जीरो गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030. बिटवीन 8.3 एंड 13 करोड़ पीपल ग्लोबली आर लाइकली टू गो हंगर दिस ईयर ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन ट्रिगर्ड बाय कोविड-19. वॉन्ट्स द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020. द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन estimate drawn from data available till March 2020 show that almost 69 crore people went hungry in 2019, up by 1 crore in 2018. The SOFI report was released on Monday in New York on the sidelines of the high-level political forum on sustainable development, which tracks the progress of nations towards achieving sustainable development goals 2030. It produced jointly by the Food and Agriculture Organization, United Nations, the International Fund for Agriculture, IFAD, United Nations Children Fund, and United Nations World Food Programme, and the World Health Organization. Its first edition was brought out in 2017. Ye data hai aapka, statement hai. The heads of the five agencies warned that 5 years after the world committed to hunger and hunger, food insecurity in and all forms of malnutrition, we are still off track to achieve this objective by 2030. The report underlines that in line with findings in previous edition, hunger continues to be on the rising since 2014, and the global prevalence of undernourishment and overall percentage of hungry people in 8.9%. Asia remains home to the greatest number of undernourished, 38 crore, Africa second one, followed by Latin America and Caribbean. According to current estimate, 21.3% of the children under 5 years were stunted, 6.9% were overweight. The report highlights that the healthy diet cost were more than 143 per day, which is the international poverty threshold. आपको ये वर्ड चूज करना है बच्चे लोग, इंटरनेशनल पॉवर्टी थ्रेशोल्ड अच्छा वर्ड है, इंटरनेशनल पॉवर्टी थ्रेशोल्ड. और ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिएगा, FAO, IFAD है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. The number of people globally who can't afford a healthy diet is
300 करोड़ पीपल, मोर देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया। सो ये आर्टिकल आपके पास है, इस आर्टिकल को देखिएगा। और ये आर्टिकल तीनों क्लब हो गया है एक साथ, एक के बाद एक आर्टिकल आए हैं। सो गोल ऑफ हंगर, पहले आप पांच ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पांच ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये रिपोर्ट निकालती हैं, इनको आप देखेंगे। पांच ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये रिपोर्ट निकालती हैं, ये देखेंगे। और ओवरऑल आपके पास से ये रिपोर्ट याद करेंगे, आपको डेटा पूरा का पूरा हल्का सा डेटा याद कर लेना है कि क्या इस रिपोर्ट में बोला गया है। इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें बोली गई हैं यहां पे। ब्रज विवेक मुर्मू, योर टाइम हैज कम। ब्रज विवेक मुर्मू, योर टाइम हैज कम। यहां पे आप लिख के मुझे भेज दीजिए, यहां आप लिख के भेज सकते हैं। क्या लिख के भेज सकते हैं? यहां पे आप वन नेशन वन राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। वन, यहां पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात कर सकते हैं। यहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात सकते हैं। यहां मेल न्यूट्रिशन हंगर से रिलेटेड जो जो स्टेप आप लेना चाहते हैं वो सब बताइए, जो जो स्टेप। और वैसे भी COVID-19 पैंडेमिक के बैकग्राउंड में ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ब्रज विवेक मुर्मू, गांधी एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। गांधी नेवर हैड एन अर्बन डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ब्रज विवेक मुर्मू, देयर वाज नो प्रिंसिपल, गांधी नेवर एडवोकेटेड द अर्बन डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ही एडवोकेटेड सेल्फ सफिशिएंट विजन, विलेज ऑटोनॉमी। गांधी जी नेहरू जी के बीच में दो भाड़ हो चुके थे। गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड द विलेज इकोनॉमी, सेल्फ सस्टेन्ड विलेज इकोनॉमी। ही नेवर सपोर्टेड, ही नेवर टॉक्ड अबाउट अर्बनाइजेशन। नेहरू जी वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सो इस बात को लेके दोनों नदी के दो किनारे की तरह थे। इट वॉज गांधी, गांधी जी हु ऑलवेज स्पोक अबाउट सेल्फ सस्टेन्ड विलेज इकोनॉमीज। एंड एट द सेम टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर हु ऑलवेज सपोर्टेड अर्बनाइजेशन। आज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज की आप बात करते हैं और जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही स्पोक अबाउट द बिग हैवी वेट इंडस्ट्रीज, he spoke about heavy industries, he spoke about the karkhanas, he spoke about mechanization, he spoke about artificial intelligence. Us samay saath tha bhi nahi, but there was a comparative development, there was a contrasting feature between Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi in terms of urbanization and concept of village autonomy. Is that clear? Is that clear, Braj Vivek? Asha Chauhan, bridge course, theek hai आशा, बहुत अच्छा पॉइंट है। किरण, रोबोटिक नर्सेस के साथ साथ आप इस आंसर को ऐसे लिखो, ऑन वन हैंड वी कैन गो फॉर रोबोटिक नर्सेस, एट द सेम टाइम वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू ट्रेन मोर नर्सेस एंड वी कैन टेक दिस लॉट फ्रॉम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। पोषण अभियान, ठीक है। ब्रज विवेक, हैव यू गॉट माई पॉइंट? मेरा पॉइंट आपको मिला? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एनीवन एल्स? ओके, यू आर अ बिग गन। टीम, एनीवन एल्स जो कुछ बोलना चाहेगा इस पे? आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक झलक दिखा दूं मैं आपको। लेट मी शो यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ताकि आपको फिर से याद आ जाए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सब कुछ है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, छोड़ दो इसको। डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको अभी छोड़ दीजिए। देखिए, हमेशा आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है, आप इसको पूरे को ऐड करने की कोशिश मत किया कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। करना क्या है, आर्टिकल के बेसिस पे, टॉपिक के बेसिस पे देखिए। जैसे हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, तो उसमें हमने क्या बात की है? हमने बात किया है पॉवर्टी के बारे में, हमने पॉवर्टी के बारे में बात किया है। पॉवर्टी है,
जीरो हंगर है, और जब ये दोनों होगा तो ऑटोमेटिकली ये होगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि गुड हेल्थ एंड वेलबींग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पॉवर्टी नहीं होगा और हंगर को हम नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आप इसको क्लीन वाटर सैनिटेशन में जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाना अच्छा खा लें और पानी अगर साफ न मिले तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा, आप मैलनरिश्ड रहेंगे। बहुत से वाटर्स में इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसके चलते आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो इट्स नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इन चारों को लेके इस वाले आर्टिकल में आप ऐड कर सकते हैं। इस वाले आर्टिकल में आप ऐड कर सकते हैं फाइट अगेंस्ट हंगर डिस्टर्प्टेड बाय स्लो डाउन। कोई बात नहीं आशा जी, कोई बात नहीं। एक बीज अगर ये कह दे कि मैं अपने आवरण को नहीं हटाऊंगा, अगर एक बीज के अंदर का अंकुर ये कह दे कि नहीं मैं अपने अंदर ऊपर के आवरण को नहीं हटाऊंगा, तो वो पेड़ नहीं बनेगा। एक बीज को अपना अस्तित्व खोना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। एक बूंद को अपना अस्तित्व खोना पड़ता है समुद्र के साथ मिलने के लिए। एक बूंद अकेले सूरज की रोशनी पड़ेगी, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन अगर उसको समुद्र में मिल गया वो, तो उसकी ताकत समुद्र के बराबर हो जाती है। सो आपको अपना अभी का अस्तित्व खोना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक शेर मैंने अर्ज किया है, वो शेर क्या है, मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मैं फिर से बोलता हूं, शेर को सुनिएगा अच्छे से, मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अगर एक बीज इस बात से इनकार कर दे कि नहीं मैं तो अपना आवरण हटाऊंगा ही नहीं, मैं तो पेड़ बनने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो वो बीज बना रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी कोई कदर नहीं है। एक बीज का अस्तित्व तब है जब वो करंट सिचुएशन को छोड़ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। एक बरगद का बीज आपने देखा है, छोटा सा होगा, लेकिन एक बरगद के पेड़ को देख के कभी इस बात का भरोसा नहीं होता कि ये बरगद कभी बीज हुआ करता था। एक पानी की बूंद इवेपोरेट हो जाएगी, लेकिन पानी अगर वो तालाब में मिल गया, समंदर में मिल गया, तो उसकी ताकत नदी और तालाब और समंदर के बराबर हो जाती है। सूरज को इवेपोरेट करने में टाइम लगेगा। तो आप अभी जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन से बाहर निकलिए। अपनी हस्ती को मिटाने का मतलब ये है कि अपनी रिजिडिटी छोड़ दीजिए, अड़ियलपना छोड़िए और जी जान से लगिए और देखिए एक साल में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। ये मैं नहीं कहता, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू बी, मैं आपकी जिंदगी में चेंज लेके आऊंगा। बदलाव अंदर से आएगा, जो चेंज होगा वो अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। आई एम नॉट नो वन, बट यस आई कैन टेल यू द वे। क्लियर है? अरे बच्चा, जो मैंने बोला वो कहावत सुना कि नहीं? हैवंट यू अंडरस्टूड दिस फिलॉसफी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इतना कुछ समझा दिया, कितना अच्छा शेर पढ़ा, और ये बच्चे ऐसे कि एक बार थम्स अप नहीं दे सकते, अपने एजुकेटर की तारीफ नहीं कर सकते कि सर ने कितनी अच्छी बात कही है। जान लो एकलव्य की तरह किसी का अंगूठा बचेगा नहीं। अगर मेरे मुझे थोड़ी सी तारीफ करने में आपका अंगूठा हिलाने में आपको दिक्कत होती है, व्हाई शुड आई टीच यू? द्रोणाचार्य की तरह सबके अंगूठे काट के और अंगुली माल डाकू की तरह पहन के घूमूंगा मैं? निकलो इससे बाहर। आर्टिकल तो रोज पढ़ते रहोगे, बट जिंदगी की फिलॉसफी को पढ़ते हैं। अगर आज जो है अगर उसको नहीं खोया तो आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सो अपना जो आज अगर किसी चीज में अड़ियलपना है, किसी चीज को पकड़ के बैठे, नहीं मेरे को तो यही करना है, मैं तो यही हूं, मैं तो यही कर सकती हूं, मैं तो इसके अलावा कोई चेंज ही नहीं करूंगी, आई एम द सुपर्ब वन, मेरे बाद कोई नहीं है, मेरे पहले कोई नहीं है, अहम ब्रह्माष्टमि, तो मेरे दोस्तों आप याद रखिए कि अहम ब्रह्माष्टमि अगर आप लेके चलेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। सो कभी रिजिड मत, हे भगवान, शांभवी दुबे, निकलो इससे बाहर। शांभवी काम है बच्चा, शांभवी सप्लाई ऑफ लेबरर्स, डिमांड ऑफ लेबरर्स, निकलो बाहर इससे। किसी का अंगूठा नहीं बचेगा उसके हाथ पे, किसी का अंगूठा नहीं रहने दूंगा, बट राइट हैंड छोड़ दूंगा, लेफ्ट हैंड जो है, जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट हैंड अंगूठा छोड़ दूंगा, जो राइट वाला है उसका राइट अंगूठा छोड़ दूंगा, लेकिन दूसरे वाले हाथ का अंगूठा काट के लेके आऊंगा अगर मुझे अप्रिशिएट करने में आपको दिक्कत होती है तो। थम्स अप चाहिए अपने को, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तारीफ जब आपकी होती है थोड़ी सी। और मैं कहां कुछ कह रहा हूं कि मुझे बोलो आई एम द बेस्ट एजुकेटर, मजा आया ना, मजा आया। यूपीएससी की पढ़ाई ऐसे करते हैं, यूपीएससी की पढ़ाई बिल्कुल एकदम सैड होके नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, यूपीएससी की पढ़ाई सैड होके नहीं करते। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, यस
अब हम एडिटोरियल की तरफ चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट यू नो डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इस आर्टिकल को थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन इमरजेंसी पावर्स, रुक जाओ एक मिनट, मैं जरा इस आर्टिकल को सीधा कर लूं। इस आर्टिकल को भी हम कवर करने जा रहे हैं, मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स, गवर्नमेंट का नॉट है, इसमें देखेंगे क्या चीजें हैं। आर्म फोर्स गेट इमरजेंसी पावर, हम क्या पावर देने जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन वेंसडे वंस अगेन गेव इमरजेंसी पावर्स टू द आर्म फोर्सेस टू प्रोक्योर वेपन सिस्टम एट द कॉस्ट ऑफ 300 करोड़ on an urgent basis without any further clearances to cut short the procurement cycle, defense ministry said. Similar powers were given to the services after Balakot air strike in February 2019. Decision was taken at a meeting of the defense acquisition council chaired by defense minister Rajnath Singh, which the ministry convened considering the security environment due to the situation along the northern borders and the need to strengthen armed forces. The DSC delegated the powers of the processing urgent capital acquisition of up to 300 crores to the armed forces to meet their emergent operational requirement. This will shrink the procurement timelines and ensure placement of order within 6 months and commencement of deliveries within 1 year. तो भैया ये urgent हो गया, urgent orders जो हैं उसमें भी 6 महीने का time लगता है और 1 साल का time लगेगा। Army had already taken decision to place repeated orders of 7,400 SIG assault rifles from Sig Sauer of the US and 12 launchers and 250 missiles of the Spike attack guided missiles. तो आपको इसमें weapon system के बारे में बहुत नहीं जानना है, आपको सिर्फ Defense Acquisition Council होता है और उसको emergent urgent defense procurement के लिए क्या करना होगा। आप Chief of Defense Staff का भी data थोड़ा सा ले लीजिएगा, Defense Acquisition Council ये चर्चा में आता रहेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो चीफ होता है वो होता है डिफेंस मिनिस्टर। सो इस आर्टिकल में आपको वेपन सिस्टम के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेपन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है ब्रज विवेक, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नहीं है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नहीं है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। ये इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, दो आर्टिकल्स मैं क्लब करके बताता हूं। जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजी टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विद गूगल, गूगल एक्वायर्स 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 33,737 करोड़। लेकिन इसके पहले मैं आपको कहीं और लेके चलना चाहता हूं, मैंने एक और आर्टिकल कवर किया है, दैट आर्टिकल इज रिलेटेड यप यप, एक्सप्लेन व्हाट द 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट मींस फॉर गूगल एंड इंडिया। हम उस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, मुकेश अंबानी के बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर दिस आर्टिकल, व्हाट द 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट मींस फॉर गूगल। गूगल ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब 75,000 करोड़, 1 बिलियन का मतलब आज के डेट में 7,500 करोड़ होता है और 10 बिलियन का मतलब है 75,000 करोड़। 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट मींस फॉर गूगल इन इंडिया, गूगल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द अनाउंसमेंट अज्यूम्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस significance given the impending gap in the country's tech investment ecosystem following the center's clamp down on Chinese technology firm. Team, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा, मेरे तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देखो, इसमें एक दौर की तस्वीर नजर आएगी, मेरे तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देखो, इसमें एक दौर की तारीख नजर आएगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बोला था कि मेरे चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियों को जरा गौर से देखो, इस चेहरे में, इस फोटो में, इस तस्वीर में जो मेरा चेहरा दिख रहा है, उस चेहरे पे जो झुर्रियां हैं, इसको जरा गौर से देखो, ये झुर्रियां नहीं है, ये दशकों का तजुर्बा है, ये कई सालों का तजुर्बा है जो मेरे चेहरे पे दरारों के तौर पे, लकीरों के तौर पे और झुर्रियों के तौर पे दिख रहा है।
तो आपके फेस पे जो झुर्रियां हैं, आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा के फेस पे जो झुर्रियां हैं, वो कई सालों की कहानी है। तो ये शेयर मैंने इसलिए अर्ज किया कि यहाँ पे सिर्फ 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट को मत देखिए, मौका क्या है। गूगल का इन्वेस्टमेंट किस टाइम पे आ रहा है, ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इम्पेंडिंग गैप इन कंट्रीज टेक इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम फॉलोइंग द सेंट्रल क्लैंप डाउन ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म। इस समय कोरोना पैंडेमिक है, इन्वेस्टमेंट पे बड़ी मार पड़ी हुई है। गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है 10 बिलियन का। डू वी हैव द स्किल्ड मैन पावर हियर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज देर इज अ टेक्नोलॉजी मिसमैच, देर इज अ डिजिटल डिवाइड। इस वर्ड को यूज कीजिए, देर इज अ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड क्या शो करता है, एजुकेशन को शो करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को शो करता है, स्किल गैप को शो करता है, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। सो गूगल का इन्वेस्टमेंट इस समय पे आ रहा है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है, स्किल मिसमैप है, डिजिटल डिवाइड है, और इस समय सेंटर ने चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म्स पे गैप पूरा क्लैंप डाउन किया है। ये है गूगल ऑफिस। Tech giant Google Monday announced to invest 10 billion in India over the next 5-7 years by way of equity investment, partnership and other arrangement to accelerate digitization in India. Announcement assumes particular significance given the impending gap in the country's tech investment ecosystem following the center's clamp down on Chinese technology. So agle 5-7 saalon mein jo Google hai wo company India mein invest karne ja raha hai, kisi company mein invest karega, partnership karega ya kuch aur program karega jisse is accelerate is digitization ko, digital platform ko, digital knowledge hai, digital environment hai, usko hum accelerate karenge, badhawa denge. Now how will Google invest from 10 billion fund? 10 billion fund mein kya hoga? 10 billion fund will focus on areas such as enabling affordable access to the internet and to information for every Indian in their own language, vernacular language, building new products and services in segments like consumer technology, education, health and agriculture, empowering business, especially small and medium enterprises, and transform digitally, leveraging technology and artificial intelligence for digital literacy, outbreak predictions, and support for rural economies. These investments will be made through 6 major equity investment, partnership, operation, infrastructure, ecosystem investment. These include Google's existing projects such as Internet Sathi for spreading awareness of the internet in rural villages and an artificial intelligence based on flood of forecasting system against others. Is this a reaction to the curbs on Chinese companies? Team, Google ke baare mein fir se padhte hain. Yahan dekhiyega $10 billion ka investment kahan ho raha hai. $10 billion ka investment ho raha hai. Enabling affordable access to internet and information for every Indian in their own language. अब आपके हाथ में जो फोन है उसमें आपने लोकल लैंग्वेज पे भोजपुरी में जैसे आप भोजपुरी में टाइप करेंगे हमरा के ई नौकरी कहाँ मिली, तो उसमें जाएगा बबुआ तोहरा के ई नौकरी पटना में ना मिली, तोहरा के लखनऊ जाए के पड़ी, राइट। जैसे आप हरियाणवी लैंग्वेज में ओए के कर रहा मोको न पतो कहाँ जॉब मिलेगा, तो वहां पे गूगल भी आपको वैसे ही वर्नाकुलर लैंग्वेज में जवाब देगा, ठीक है। और तो को यहां जॉब ना मिलेगा तो को पढ़ना पड़ेगा और तो को दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें आएंगी। बिहार वाले स्टाइल में फिर से बोलता हूं, जैसे आप पूछेंगे हमरा के केने जाए के बाद हमरा के 10,000 रुपया के मंथली सैलरी कहां मिली, तो उसमें आंसर आएगा बबुआ तोहरा के तू भुट्टा खाइबा घर पे बैठ के तो कुछ ना मिली, लिट्टी चोखा खाइल छोड़ के तू ट्रेन पकड़ा और सीधे चल जा कहां, चेन्नई चल जा, बैंगलोर चल जा, मद्रास चल जा और जाके नागपुर में बैठ, अरे पुणे में बैठ जा, तब जाके तोहरा के जॉब मिली, लिट्टी चोखा खैला से कुछ ना हुई तो हर दिन ना सुधरी बेटा और वो सही तू परेशान रहबा। तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ये सारी चीजें आएंगी। सो ओन लैंग्वेजेस में अब आपका इंटरनेट जो है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जिस लैंग्वेज में जानेंगे उस लैंग्वेज में अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल इंटरनेट आपके हाथ में होगा। एंड इंटरनेट को वैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) में जोड़ के देख लीजिए, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे जैसे कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि समय का डिमांड है। Empowering business, small or medium enterprises को transform किया जाएगा digital में, leveraging technology and artificial intelligence, digital literacy के लिए, outbreak prediction के लिए, मतलब जो महामारी फैलने वाली है क्या हम उसको sense कर सकते हैं, predict कर सकते हैं,
और रूरल इकोनॉमी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बात का है, डू वी हैव द स्किल्ड मैन पावर टू मैच दीज गैप्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, डू वी हैव स्किल्ड मैन पावर टू मैच दीज गैप्स। इस गैप को मैच करने के लिए हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है क्या? इसको मैच करने के लिए डू वी हैव स्किल्ड मैन पावर? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। डोंट गो बाय द न्यूज, गो बाय द अंडरलाइन करेंट्स बिहाइंड द न्यूज। न्यूज के चेहरे को देख के मत जाइए, न्यूज के पीछे की कहानी को पढ़िए। आगे चलते हैं, ये अलग अलग तरीके से इंटरनेट की जाएंगी। सबसे पहली बात है, इंटरनेट इन रूरल विलेजेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। सो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नाउ क्या ये रिएक्शन है चाइनीज कंपनीज पर जो हमने क्लैम्प डाउन किया है, क्या ये उसका रिएक्शन है? While the fund may have been in the works since before the clampdown on Chinese companies, the development did present an opportunity for tech majors like Google to grow their share in India's internet pie. हालांकि ये सारे जो consumers, ये सारा जो collaboration था, वो पहले से था, पहले से ही बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही Chinese company पे clampdown किया, Google को एक opportunity मिली अपना share को बढ़ाने का। किस मामले में? Internet infrastructure में। Big technology companies like Google, Facebook, Netflix and Twitter are in any case prohibited from doing business in China. Potential hurdles for Chinese companies investing in India could provide better prospect for American giants to strengthen their position in a market which has the second most internet users in the world. Google, Facebook, Netflix or Twitter jo prohibited hain China mein, aur iske chalte ye bahut badi opportunity paida karte hain India ke liye. Lekin ek baat yaad rakhiyega, aapke paas jo primary sector hai wo to aap jante hain, kheti mazdoori, आपका जो यू नो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, और उसके बाद से आपका सर्विस सेक्टर है, आपका सर्विस सेक्टर है। एक मिनट रुके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, लेट मी चेक द रेड पेन। अब हम चलते हैं, ये हुआ आपका प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, ये हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये हुआ आपका सर्विस सेक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं किस टेक्नोलॉजी की मार में, कहीं ऐसा तो नहीं किस टेक्नोलॉजी के चलते हमारा सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ जाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा बढ़ावा देंगी सर्विस सेक्टर को, ये सबसे बड़ा बढ़ावा देंगी किसको? कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, नॉट डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, कोलैबोरेशन टीम। इस बात को सोचिएगा, आपको एक पर्सपेक्टिव यह भी डेवलप करना है कि कहीं टेक्नोलॉजी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है वो बेचारा अपने खेत के मेड़ पे आसमान की तरफ देखता रह जाए कि बारिश कब होगा। जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीछे छूट जाएगा। इस पर्सपेक्टिव को लेके चलिएगा, क्योंकि दुनिया इसको एज इट इज पढ़ेगी, ले लेगी, बट आप एक अच्छे एजुकेटर और आप एक अच्छे एस्पिरेंट तब बनेंगे जब आप प्रोस एंड कॉन्स देख के चलेंगे। कहीं ऐसा टीम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाइयों, भाइयों, समझ में आया क्या? आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल यू विल से वाओ, व्हाट एन आर्टिकल, व्हाट एन आइडिया, वाओ सैफ अली खान। टीम समझ में आया? इस आर्टिकल को देखते हुए एक अलग साइड बाय साइड आप एक काउंटर पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो फिर से साइडलाइन हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो हम सीधे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सीधे सर्विस सेक्टर में कूद गए, और इसका रीजन ये है, और इसके चलते हमारे पास माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का कोई बेस नहीं है, और आज भी हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। टीम, सो साइड बाय साइड अपना पर्सपेक्टिव लेके चलना है। आगे चलते हैं, व्हाट आर गूगल्स टॉप इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सो फार? गूगल हैज इन्वेस्टेड इन वेरियस स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स इन इंडिया थ्रू सेवरल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ऑन नवंबर 13 द कंपनी इन्वेस्टेड 3 crore इन साना वेंचर्स इन द सीड फंडिंग राउंड एंड ₹3 crore इन अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। सिंस देन इट हैज इन्वेस्टेड इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ $45 crore ये भगवान इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 45,000 पता नहीं इतना पैसा तो जिंदगी में नहीं देखा। Since then it has invested $45 multiplied by 6 zeros in Dunzo and 39 crore in online education portal QMath.
क्यू मैथ में इसने इन्वेस्टमेंट किया है। इन द लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन जून 24 गूगल ने इतना 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 सर्विस ई फंडिंग फॉर अ गुड़गांव बेस्ड कंपनी आई फाइनेंस। प्रीति परमार रुक जाओ, उदास नहीं होते नाउ। सबसे बड़ी बात यह है, गूगल के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। गूगल ने जो इंडिया में फंड किया है और बाकी जो फंडिंग करी है विश्व में उसको देखते हैं। कंपेयर विद दिस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्राफ्ट बट 10 बिलियन एज पार्ट ऑफ द गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड विल बूस्ट इंडियन कंपनीज इन गूगल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब आपने एक फाइल बना लिया, एक फंड बना लिया, उसको पोर्टफोलियो बोलेंगे। सो अब क्या करना है आपको, गूगल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम दिया गया है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। और बाकी देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ डज दिस अनाउंसमेंट फिगर इन बिग टेक आउटलुक ऑन इंडिया। गूगल इन्वेस्टमेंट प्लान इन लाइन विद बिग टेक बुलिश आउटलुक ऑन इंडिया। अर्लियर दिस ईयर अमेजन सेड दिस विल इन्वेस्ट एन एडिशनल 1 बिलियन इन इंडिया। सो सिर्फ, अरे आशा चौहान मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जबान लड़खड़ा गई थी मेरी। दिस वॉज फॉलोड, अरे आपका एजुकेटर बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है, कोई एक्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाई मार्की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट। इतना इतना है, सारा इन्वेस्टमेंट देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि बिग टेक्नोलॉजिकल जायंट्स आर एंटरिंग इन टू इंडिया। और ये देखिएगा, ये सारा जो टॉप है किस किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको उसको देखने की जरूरत है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा या छोड़ देगा, या फिर ये आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट का स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत क्या ये उससे अलाइंड है। आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या इससे ये अलाइंड है। सो ये सारे आर्टिकल्स को क्लब करेंगे और उसके अलावा देखेंगे कि इनकी जरूरत क्या है। और उसके अलावा कैन टेक्नोलॉजी बी अ बून, कैन टेक्नोलॉजी बी अ बून फॉर मिलियंस ऑफ हंगर पीपल इन इंडिया। कैन टेक्नोलॉजी बी अ बून फॉर इंडिया टू टैकल मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Can technology be a boon for India? Can technology be a boon for India for handling, for addressing many social issues of India? Team, please answer my question. Team, can technology be a boon for India's current situation in taking out millions of people out of poverty and hunger? स्पेशली पोस्ट COVID-19 बैकड्रॉप। यहां पे फिर से देख लीजिएगा, अब हम आ जाते हैं जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजीज टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विद गूगल। यहां पे देख लेते हैं क्या भैया, ये सिर्फ गूगल का स्मार्टफोन नहीं है और रिलायंस का, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म यूनिट हैज डेवलप्ड अ 5G टेक्नोलॉजी व्हिच विल बी डिप्लॉयड इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, सेड मुकेश अंबानी। To aid mass adoption of the technology and to enable millions of 2G features phone users to graduate to smartphones, Jio and Google would partner to develop an entry-level 4G or even 5G smartphone with Android operating system. Google also announced that it will invest 33,737 crore to acquire a stake in Jio platform. Jio has designed and developed a complete 5G solution for scratch. He also told that as India is standing at the doorstep of the 5G era, we should accelerate the migration of 350 million Indians who currently use 2G feature phones to an affordable smartphone. Jio is determined to make India 2G mukt free. This is made in India. 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can ready for the field deployment. We can also easily upgrade our 4G network to 5G. 5G solution की अगर बात करते हैं, Jio planned to export 5G solution to other telecom operators globally as a complete managed service once the technology was proven as India's scale, the Reliance Industries Limited chief said. So ये देख लीजिएगा, ये आपका एक good to know information है, ये आपका good to know information है। मजा आया? प्रीति रुक जाओ, संजू प्रजापत, अरे सुनो ना प्रीति, फंडामेंटल राइट 19A जो आपने, ओके ठीक है ठीक है। देख लिया, अब मुंह लटकाना छोड़ो। ठीक है, देख लिया।
আচ্ছা একজন আনসার কিরণ, শুভম বহুত আচ্ছা ইয়ে লিখা হ্যায় বিফিং আপ এডুকেশনাল ল্যান্ডস্কেপ ইন রুরাল এরিয়া, ক্যান ইউ অ্যাড সাম মোর পয়েন্ট, ক্যান ইউ অ্যাড সাম মোর পয়েন্টস হিয়ার, ক্যান ইউ অ্যাড সাম মোর পয়েন্ট হিয়ার। टीम ये हुआ आपका जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजी टू डेवलप चीप स्मार्टफोन्स, ये आपके आर्टिकल्स हैं और चलते हैं और क्या क्या आर्टिकल्स हैं। जियो स्मार्टफोन आप ये बोलेंगे सर आपने एडिटोरियल छोड़ दिया, एडिटोरियल नहीं छोड़ा बच्चे, एडिटोरियल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इंडिया शुड बिलीव इन यूरोपियन यूनियन, कल ये कवर किया जा चुका है, फिर से आप पढ़ेंगे इसको। इन्फ्लेशन अलर्ट की हम बात करते हैं एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हैव अ लुक एट इट। इन्फ्लेशन अलर्ट, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, मधु इसमें अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है, अभी इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। शिनी आपको ये परसेंटेज नहीं याद करना है, कितना परसेंट किसका इन्वेस्टमेंट है। चलो इन्फ्लेशन अलर्ट की बात करते हैं। राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड कॉज फॉर अ डिस्क्वाइट, ये अशांति फैला रहा है। जब मार्केट में किसी चीज का डिमांड होता है भाइयों, तो जाके प्राइस किसी चीज का बढ़ता है। सोना महंगा है क्योंकि सोना कम है और सोना 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 है, ठीक है। मैं सोना की बात कर रहा हूँ, सोनाक्षी सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोना यानी गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सोना महापात्रा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सोना सोना है क्योंकि सोना कम है और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वो महंगा होता है। सोचने की बात है कि जब पैंडेमिक के टाइम में महंगाई डिमांड बिल्कुल कम हो गया है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। नाउ द लास्ट थिंग दैट इंडियाज पैंडेमिक हिट इकोनॉमी नीड्स टू एक्सेलरेट इज इन्फ्लेशन, येट दैट इज प्रिसाइजली व्हाट द लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स टू। जूस रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग 6.1% इज बरोइंग, मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। पर्टिकुलरली सिंस इट वॉज द फर्स्ट मंथ वन इकॉनमी रीओपन्ड फॉर द क्रिपिंग लॉकडाउन ऑफ द प्रोसीडिंग टू मंथ्स, व्हाइल द डिसरप्शन कॉज द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ नेशन वाइड शट डाउन कैन टू एन एक्सटेंट एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन्स, दैट दिस हैपेंड डिस्पाइट डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट। अ क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ से थोड़ा सा बात करते हैं। इट शोज दैट द प्राइसेस इन फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप रोज टू एन एवरेज 7.3% ईयर ऑन ईयर, विद द की प्रोटीन सोर्सेज ऑफ पल्सेस एंड प्रोड्यूस सर्जिंग 16.57%, मीट एंड फिश क्लाइंबिंग 6.2%, मीट एंड इट्स डेरिवेटिव। ये आप सिंपली पढ़ लीजिएगा और ये पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिंपली एवरीवन नोज अबाउट इट, हाउ इज इकॉनमी इज स्लगिश। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन की बात है कि इकॉनमी, अगर इकॉनमी स्लगिश है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इकॉनमी बिल्कुल डीरेल्ड हुई है, तो प्राइस राइज कैसे हो रहा है। इज देयर इज अ डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। टीम इसको पढ़िएगा, मैं अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है और मुझे गाना गाने का दिल कर रहा है। पूछो कौन सा गाना, मेरा दिल कर रहा है गाना गाने का। और इन आर्टिकल्स को चाइना पोस्ट कोविड अग्रेशन इन रीशेपिंग एशिया, कल इससे रिलेटेड आर्टिकल कवर किया। गोल्ड तो महंगा रहेगा, अरे मैंने एग्जाम्पल दिया था आशा जी, महंगा है एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि गोल्ड और ज्यादा स्कार्स हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अभी केरला में गोल्ड स्मगलिंग को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। टीम अब मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा गाना गाऊं मैं, मेरा दिल करता है मैं गाना गाऊं। यस आशा, इसीलिए प्राइस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हर कोई तो गरीब नहीं है, हर कोई तो नहीं है ना, पीपल आर बाइंग इट, लेकिन और ज्यादा स्कार्सिटी बढ़ गई है। स्कार्सिटी जब किसी चीज की बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, उस चीज का प्राइस। गाना जो होगा, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं।
अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, आप लोगों से अलविदा कहता हूं। जो एक बात दिल में है उनसे कहूं तो चलूं, तो चलूं। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड मुझे जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा है, आज का सेशन कैसा लगा। बहुत रैपिड बोन फायर की तरह कटार, चाकू, तलवार सब कुछ चल गया। हाउ वॉज द सेशन टूडे? बिल्कुल बिल्कुल किरण सुधार, वो मैंने कवर कर लिया है कल। कल मैंने एशिया को बहुत बड़े लेवल पे कवर किया। अरे वो ठीक है, वो एक्चुअली मैं गाता हूं तब जब मेरा सेशन एंड होने आने लगता है। टीम चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आज का सेशन कैसा था ये बता दीजिए मुझे। हाउ वॉज द सेशन, डिड यू एंजॉय? क्या आपके दिमाग के कुछ कल पुर्जे हिले, आपके दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की दही बनी, भेजा फ्राई हुआ, आपके अंदर का इंसान जो है तड़प के बाहर आया कि मुझे लिखना है, लिखना है, लिखना है, लेकिन आपके पास शब्द नहीं थे, अल्फाज नहीं थे, दो तीन शेर दिए। अरे सिंगिंग छोड़ो, सेशन बताओ। सिंगिंग छोड़ दो भैया, गवैया तो मैं हूं, लेकिन सेशन बता दो, सेशन कैसा था। आई नीड टू नो अबाउट माई सेशन। मधु जी, मुझे अपने सिंगिंग के बारे में नहीं, मुझे जानना था अपने सेशन के बारे में। आपका सेशन कैसा रहा? आपको मजा आया आज के न्यूज एनालिसिस में? आपको मजा आया न्यूज एनालिसिस में आज? क्या आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन उठे? प्लीज, मैं ये चाहता हूं आप इस सेशन में आए, पूरे इंजॉय करें। और यकीन मानिए, इसके बाद से आप बस 15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे कि क्या क्या लिखना है, सर ने क्या क्या पढ़ाया था। आई कैन अश्योर यू, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने इतना कुछ सीखा। एंड गाइज, आई नीड टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माई कोर्सेज। आपके रिकमेंडेशन की जरूरत है, नहीं तो लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। सो प्लीज काइंडली रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माई कोर्सेज। लोगों को बताइए कि एक येड़ा टीचर है, एक टीचर है जो अन अकेडमी में पढ़ाता है पागलों की तरह, शेर व शायरी, गाने सब कुछ हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। अब अच्छा पढ़ाता है बुरा, बट प्लीज रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माई कोर्सेज। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, अपने बाकी दोस्तों को रिकमेंड कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आई नीड योर सपोर्ट हियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है? कल फिर से किला फतेह करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।